गोदावरी बायो रिफाइनर्स ये कंपनी आज हुई लिस्ट और लिस्टिंग थोड़ी सी इशू प्राइस के नीचे होते दिखे तीन सौ बावन पर और अब घूम फिर कर तीन सौ पर आता दिख रहा है नीचे में 308 का लो बनाया और एक शार्प और स्मार्ट रिकवरी अब आईपीओ के बाद लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ में आती हुई दिख रही है अब कम इशू प्राइस पर आ चुका है गोदावरी तीन सौ बावन रुपये की इशू प्राइस थी और करीबन करीबन दो गुना ये इशू बढ़ता हुआ नजर आया था देश में एथनल आधारित केमिकल्स बनाने का कंपनी है कृतिक कारोबार मार्च 2024 के जो आंकड़े हैं उसमें वॉल्यूम के लिहाज से देश के दिग्गज एथेनॉल प्रोड्यूसर्स में कंपनी शामिल है आई कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर समीर सोमैया साहब कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कार्नल यूनिवर्सिटी से साइंस में बैचलर्स की डिग्री और केमिकल इंजीनियरिंग की में मास्टर्स की डिग्री सर ने हासिल की है हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है और केमिकल इंडस्ट्री का सोमैया साहब को 28 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है सोमैया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को दीपावली के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली के समय ही आपने अपनी कैपिटल मार्केट की इस पारी की शुरुआत भी की है लिस्टिंग थोड़ी सुस्त हुई लेकिन अब रिकवर होकर इशू प्राइस के आसपास आपका स्टॉक आ रहा है इशू दो गुना भरा था करीब करीबन आजकल के माहौल के हिसाब से इसे थोड़ा कम रिस्पॉन्स ठंडा रिस्पॉन्स माना जाता है क्या वजह आप समझते हैं कि लिस्टिंग भी थोड़ी ठंडी हुई रेस्पॉन्स भी थोड़ा ठंडा मिला है क्या प्राइसिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी आपके आई की पहले पहले आप सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ. आज का धन त्रयोदशी का मुहूर्त है जी. और कल शाम दीपावली है जी. और यह दीपावली बहुत ही जगमगाएगी हमारे लिए और हमारे जो निवेशक हैं जी. मैं उन सबका स्वागत करता हूं कि वो हमारे बड़े परिवार में आ गए और हम इस हमारे अनोखा जो प्लान है हमारी योजना है कि गोदावरी बाय रिफाइनरीज जो आज क्लाइमेट चेंज के वजह से काम कर रही है जिसमें से उपज से हम फूड फ्यूल और केमिकल्स का हम तैयार करते हैं और वो आने वाले कल का एक प्रतीक बनेगी और उसके लिए हमारे साथ शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बिल्कुल धन्यवाद सर आ, तो क्या आपको लगता है वैसे तो आ, बिजनेस आपके इथेनॉल से रिलेटेड है स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड है काफ़ी शुगर का है लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स जो कम मिला और लिस्टिंग थोड़ी ठंडी हुई क्या एक बेहतर प्राइसिंग की उम्मीद थी आपके इन्वेस्टर्स को सर हम तो अपना काम करेंगे हम आ, आ, हमारे आविष्कार हमारे विद्या और विज्ञान के बुनियाद पर हम अपना काम करेंगे आज जो जो ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है देश में और पूरी दुनिया में जो ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है चाहे वो ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन हो या ग्रीन केमिकल्स जो ग्रीन मटेरियल्स का ट्रांजेक्शन है उसमें हम हमारा काम करेंगे और ये परिवर्तन अपने पूरे विश्व और देश के लिए ज़रूरी है और हमारा उस पर विद्या विद्या और विज्ञान के बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं तो हम ये काम करते रहेंगे और हम भविष्य उज्जवल समझते हैं बताएं सर अगले एक से तीन साल कंपनी के कामकाज को लेकर परफॉर्मेंस को लेकर क्या है आपका विजन? तक किन तो तक ऊंचाइयों आप कंपनी पहुँचाना चाहते हैं सर हम जैसे हमने अभी कहा कि जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है और ग्रीन जो केमिकल्स पे ट्रांजिशन है उन दोनों दिशाओं पे हम अपना काम करते रहेंगे और हम इस पर हमारे कंपनी को बढ़ाते रहेंगे ले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस लिस्टिंग पर उम्मीद करें कि आपके निवेशक आने वाले समय में आपकी कंपनी से एक अच्छी वेल्थ कमाने का मौका पाए सोमैह बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आइए बढ़ते आगे अब वक्त है बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त है आपके लिए एक और शॉर्ट टर्म पिक का